मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला विजिट था परेल शाह राजा में। गणपति जी की आरती करके मुझे आरती करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। पेपर में पास होने वाले विषय तो सभी मांगते हैं एक नए टाइप में। टीचर ने कभी नहीं मारा मुझे। हाय गाइस, दिस इज राजेश शर्मा, आपकी पूर्वी। यू आर वॉचिंग मी ऑन बाज़ूका। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे, आप सब देख रहे हैं बाज़ूका टीवी। आज हमारे साथ रांची जी मौजूद है, जो सबसे पहले आपका स्वागत है बाज़ूका टीवी। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, परेल शाह राजा में आप दर्शन करने आए, कैसा लगा आपको, क्या महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला विजिट था परेल शाह राजा में। मैं पहले कभी नहीं आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। गणपति जी की आरती करके मुझे आरती करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। क्या कुछ विशेष मांगे आपने पप्पा से? विशेष तो मुझे लगता है नहीं बताते हैं। पर हाँ, मैंने थैंक यू ज़रूर बोला, क्योंकि मैं इतनी अच्छी जगह पर हूँ। आज मुझे पापा की आरती करने को मिला, तो उसी के लिए मैं पापा को ही थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने डिसाइड किया, और जो जो डिसाइड किया है वो मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। तो जी। साथ ही आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्या कुछ स्पेशल रहता है आपके लिए? तो मैं तो बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं इंदौर से हूँ, पर बॉम्बे के गणपति कोई मिस नहीं करता है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं बॉम्बे में हूँ और मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। सो मैं इंदौर से हूँ, इंदौर में भी गणपति सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बॉम्बे की हैप तो अलग ही है, लेकिन इंदौर में भी हम गणपति घर पर लाते हैं, अच्छा खाना बनता है, मोदक बनता है, मिठाइयाँ बनती है, तो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होता है। कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे बचपन की? आप कभी भगवान से आप छोटी छोटी विशेष मांगे हो कि आज मेरे को टीचर से मार खाने से बचा लो, मैं पेपर में पास हो जाऊं? आई थिंक पेपर में पास होने वाली विशेष तो सभी मांगते हैं एक ना एक टाइम पे। टीचर ने कभी नहीं मारा मुझे, लेकिन पापा के साथ तो मेमोरीज यही है कि सुबह उठकर हम जाते थे पापा को लेने, पापा, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मा, और फिर हम घर पे लाते थे। घर पे मेरी मम्मी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, मेरा डॉग जो है वो आरती के टाइम हमारे साथ रहता है। तो मेमोरीज तो काफ़ी अच्छी है, और मैं हर साल घर मिस भी करती हूँ गणेश चतुर्थी पे, बट ठीक है, मैं यहाँ हूँ, अच्छी जगह हूँ, उसके लिए मैं ग्रेटफुल भी हूँ। मुंबई में आप इतने सालों से हो, इतने सालों से शो चल रहा है, काफ़ी प्रेशर रहता है एज अ लीड काम करना। काम करते करते आप किस तरह से मतलब बाहर जाते हो बप्पा का दर्शन करने? सो टू बी ऑनेस्ट, काम का प्रेशर तो होता ही है, और हम लोग 13-13 घंटे शूट करते हैं। जब ऑफ भी मिलता है तो यही होता है कि घर पे आराम कर लेते हैं। पर आई थिंक जब गणपति गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई, तब मैं अपने दोस्तों के घर गई विजिट पे, और अभी पांडाल तो ये पहला पांडाल है जहाँ पे मैं आई हूँ। तो जी, टाइम तो नहीं मिलता है, बट निकाल लेते हैं। शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का शो चल रहा है, क्या कुछ स्पेशल, कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर? जी, शो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक चल रहा है, एंड फाइनली आरवीओ पूर्वी की लव स्टोरी धीरे धीरे शुरू होने वाली है, जो ऑडियंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो मज़ा आएगा।